अस्सलाम वालेकुम कैसे दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे तो जो लोग भी भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर वो सऊदी अरब में ड्राइविंग कर रहे हैं या सऊदी अरब में ड्राइविंग करके इंडिया गए हैं तो हमारी वीडियो को जो जो भाई देख रहा है हमें बताइएगा कि उनका एक साल में जैसे एक साल हुआ ख़त्म हुआ तो एक साल में कभी काउंट किया है कि हमारा फ़ाइन कितना आया हुआ है हमारे ऊपर ग्रामा कितना हुआ कितने पैसे का हमने नुकसान किया सऊदी अरब में तो जो लोग भाई अगर जानते होंगे उनको मालूम होगा कि हमारा मुखालफा आया था या फाइन आया था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे जैसे हम बताएं कि 2018 में मैं आया हूँ सऊदी अरब में अभी तक मेरे हिसाब से मेरे ऊपर फाइन जो आया है वो तीन या चार बार आया है जहाँ तक दो बार मोबाइल का आया है और दो बार एक बार दो बार पार्किंग का आया हुआ है और एक बार गाड़ी लड़ी हुई थी मुझसे तो मैंने बहाना बना दिया था कि ऐसे किसी ने पीछे से मार के चले गया तो वो जो भी नुकसान हुआ था तीन चार हज़ार लगा था गाड़ी में तो वो पूरा ख़र्चा कपिल का था क्योंकि मेरा कपिल बहुत अच्छा है बस थोड़ा सा गुस्सा होता है एक दो मिनट के लिए गुस्सा होता है फिर नॉर्मल हो जाता है और बहुत अच्छा कपिल है मेरा तो और आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं जो भी चाहे सऊदी से चाहे दुबई से चाहे इंडिया से चाहे कुबैत कतर बहरन कहीं भी किसी भी देश से देख रहे हैं तो हमें बताइएगा कि आप ड्राइविंग का कितना मुखालफा आया और ड्राइविंग का काम जो ऐसा है ना भाई कि अगर आप जब तक मुखालफा नहीं भरोगे तो आपके ऊपर फाइन नहीं आएगा तब तक आपका दिमाग ही नहीं खुलेगा कि हमें यहाँ बचना है हमें इस इशारे को यानी हमें इस सिग्नल को पार नहीं करना है यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है इस रोड पर इतना स्पीड से हम गाड़ी चलाएँ ताकि हमारा मुखालफा या फ़ाइन ना आए तो ये सब अगर जब तक जब तक इंसान के ऊपर कोई ग्रामा कोई फ़ाइन नहीं आता है तब तक उसका दिमाग खुलता नहीं है क्योंकि मैं भी ऐसे मोबाइल लेकर कभी बात करने लगता था कभी जो है कुछ देखने लगता था तो फाइन आ जाता था दो बार ऐसा हुआ है तो कपिल ने बताया कि कहाँ मोबाइल लेके पीजी रहते हो पाँच पाँच सौ रियाल दो बार फाइन आया है तो आप लोग का अगर ऐसा गलती हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो लोग भी भाई सऊदी अरब में नए हाउस ड्राइविंग का काम करने आ रहे हैं या कोई भी ड्राइवर हो बस ट्रक या टैक्सी या कार किसी भी ड्राइविंग के काम में आ रहा है तो वो जान ले कि सबसे बड़ा मुखालफा यहाँ पर एक तो सिग्नल है रेड सिग्नल है अगर रेड सिग्नल पार किए अब तो कम से कम तीन हज़ार रियाल का फाइन है उस पर और दूसरा फाइन है जो अभी अभी एक नया अपडेट आया है यहाँ के ट्रैफिक अथॉरिटी की तरफ से एक जारी किया गया है अपडेट कि जो लोग रोड के बीच में से गाड़ियाँ यूँ लहरा कर निकालते हैं ना तो उनके ऊपर तीन हज़ार रियाल से छः हज़ार रियाल तक का फाइन है तो ये बहुत बड़ा फ़ाइन है और यहाँ पर एक फ़ाइन और लगता है एक हज़ार रियाल का जो पीली पट्टी होती है रोड के किनारे का अगर उसके इस बार आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो उस पर एक हज़ार रियाल का फाइन है क्योंकि कैमरे लगे रहते हैं और वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा तो इस वजह से बहुत हिसाब से भी गाड़ी चलाना पड़ता है सऊदी अरब में तो अगर आप लोग भी आ रहे हैं और एक बात कहना चाहता हूँ आप लोग से जैसे मैडम बैठी है या लड़की बैठी है तो आपको बोलेगी कि जल्दी चलो जल्दी चलो यानी जल्दी चलो इतना आपको बोल बोल के हड़बड़वा देगी कि आप जो है उस हड़बड़ाहट में गलती कर बैठोगे ठीक है इधर उधर भागोगे रेड सिग्नल का ध्यान नहीं दोगे कैमरे का ध्यान नहीं दोगे बस अपने हिसाब से भगाओगे गाड़ी और फंस जाओगे तो मैडम हो लड़की हो या कफील हो या कोई भी हो कितना भी फास्ट बोले कि जल्दी चलो पर गाड़ी आप अपने हिसाब से ही चलाना भाई क्योंकि अगर कोई भी मुखालफा आता है कोई भी फ़ाइन आता है तो कपिल सीधा यही बोलेगा कि आप ड्राइवर हो और आपको गाड़ी चलाना है कैसे चलाना है आप जाने इसका मुखालफा जो फाइन आया है ये आप जाने आप मसूल हैं इसके आपको भरना पड़ेगा तो भाई आपके सैलरी से काट लिया जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बोले भाई कि मैडम बोले लड़की बोले या कितना भी जल्दी हो तो भाई गाड़ी अपने हिसाब से ही चलाओ मैडम ऐसे कभी कभी मेरे साथ बैठती है ना तो अगर कहीं लेट होता है तो बोलती जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ तेज़ से चलाओ तो भाई देखो उनके कहने से हमको ड्राइविंग नहीं करना है ड्राइविंग हमको अपने हिसाब से करना है ठीक है क्योंकि ऐसे जो मेरा मुखालफा आया था मोबाइल का ऐसे ही हुआ था कि मैडम ने ही फ़ोन किया था और मैंने जो है कैमरा देखा नहीं और गाड़ मोबाइल उठा के बात कर लिया और बस पाँच सौ रियाल का फ़ाइन मेरा आ गया तो मेरे मोबाइल का स्पीकर जो है ना बहुत ख़राब था तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था तो मैंने फ़ोन उठा लिया उठाने के बाद अब मैडम का फ़ोन है भाई तो उठाना पड़ेगा तो उठाने के बाद जो है मैंने कान पे लगा लिया इधर यहाँ पर भी रखोगे तो, फा, तो भी फाइन आ जाएगा यहाँ लगाओगे तो भी फ़ाइन आ जाएगा मतलब कि हैंडल के ऊपर नहीं आना चाहिए आपका मोबाइल अगर इतना आ गया तो आपका फ़ाइन आ जाएगा यहाँ हैंडल के पीछे आप यहाँ पर रखते हैं डैशबोर्ड बोर्ड पर अगर रखते हैं या यहाँ पर रख के नीचे बात करते हैं तो स्पीकर से आप बात करते हैं तो आपका मुखालफा नहीं आएगा अगर हैंडल के ऊपर ऐसे मोबाइल अगर ले लिए ऐसे देख भी रहे हो कुछ तो भी मुखालफा फ़ाइन आ जाएगा अगर यहाँ कान पे लगा लिए तो भी फाइन फ़ाइन आ जाएगा और एक बात की आप हेडफोन यूज कर सकते हो लीड वग़ैरह यूज कर सकते हो और कैमरे के जैसे बताया मोबाइल का भाई यहाँ पर हैंडल के ऊपर आ गया अगर स्टेयरिंग के ऊपर आ गया तो आपका जो है फ़ाइन आ जाएगा पाँच सौ रियाल भाई तैयार रखना तो पाँच सौ रियाल भरना पड़ेगा तो देखिए उनका भी कहना ठीक है भले वो पैसा नहीं काटें पर पाँच सौ अगर जाता है तो भाई नुकसान होता है तकलीफ़ उनको भी होती है तकलीफ़ अपने को भी होती है और हमारे पेमेंट से क्यों नहीं काटते हैं क्योंकि भाई जानते हैं कि गरीब इंसान है तो इस वजह से मुरबत में नहीं काटते हैं पर अपने आप को ध्यान देना चाहिए ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए फिर भी कपिल ने मुझे बहुत डराया कि भाई मैं सैलरी से काटूंगा इस बार और दो तीन बार मैंने काटा नहीं इस बार काटूंगा पाँच सौ रयाल मुझे एक दो दिन टेंशन हो गया था यार कि पाँच सौ रियाल कट जाएगा यार क्योंकि भाई यहाँ सौरयाल भी कट जाए अगर सौरयाल भी दो सौ रयाल का भी नुकसान अगर हो जाता है तो बहुत तकलीफ़ होता है तो अगर सौरयाल भी नुकसान हुआ तो भाई इंडिया का दो हज़ार बाईस सौ रुपया का नुकसान होता है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो पाँच सौ रयाल उसने बोला कि भाई काट लूँगा मैं मैं बोला ठीक है भाई मेरी गलती है काट लो बोला ड्राइवर आप हो आपको गाड़ी चलाना है किस हिसाब से हो आप गाड़ी चलाओ कोई भी बोले कि जल्दी चलो या कोई और गलती करो ड्राइविंग के समय तो वो भाई हम माफ़ नहीं कर सकते उसमें आपका मशूल है वो आप भरना पड़ेगा मैं बोला ठीक है भाई आप काट लीजिएगा पाँच सौ रुपया और क्या ज़्यादा बहस करने से फ़ायदा क्या है फिर अगला महीना आया तो बोला कि पैसा काटा नहीं पूरा सैलरी दे दिया तो मैं बोला यार ये काट नहीं रहा फिर बीच में बोला कि भाई देखो इस बार नहीं काटा हूँ अगली बार काटूँगा मैं बोला ठीक है काट लीजिएगा हालाँकि फिर अगली बार भी नहीं काटा अलहमद तो पूरा सैलरी दिया मेरा तो फिर हाल बोला जो है समझाया कि देखो नुकसान होता है मोबाइल पे फ़ोन वन वग़ैरह आए तो नीचे रख के बात करो स्पीकर से बात करो या डैशबोर्ड पर जो है लगाकर कर यहाँ पर बात करो कोई मसला नहीं है तो आइंदा से ध्यान रखना तो अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में मेरा एक भी मुखालफा नहीं आया है और 2023 चले गया 2024 लग गया है इसमें भी एक महीना चले गया अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुखालफा नहीं आया है कोई भी फाइन नहीं आया है दो में दो में मेरा एक मुखालफा आया था मोबाइल का और दो में मेरा एक मोबाइल का आया था और एक पार्किंग का आया था और 2020 में मेरा पार्किंग का आया था तो अभी तक मैंने चार मुखालफे यानी चार फाइन भरे हुए हैं आप लोग का कितना फाइन आया है एक साल के अंदर या 2023 में जो साल गया उसमें कितना फाइन आया था और 2022 में कितना फाइन आया था तो आप लोग जो भाई भी हमारे वीडियो को देख तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई लोग ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इनशाला ठीक है आप लोग अपना ख्याल रखिए और कोई भी भाई आ रहा है तो बताइएगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा और अच्छे से ड्राइविंग कीजिए अल्लाह हाफिज़